हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आदि मोनू किचन्स में बन रहा है बहुत ही टेस्टी चटपटा सा बच्चों और बड़े सभी का फेवरेट पास्ता। और ये देखिए, एक एक पास्ता एकदम अलग अलग बनके तैयार हुआ है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका पास्ता भी एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी चटपटा सा पास्ता। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए 2 कप मैंने लिया है पास्ता। आज ये मैंने इस शेप का पास्ते का यूज़ किया है। आपके पास जो पास्ता हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। पास्ते को बॉईल करने के लिए एक बर्तन में मैंने 2 ग्लास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो उसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच नमक, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक को। और अब पानी में हमें हल्का बॉईल आने देना है। पानी में बॉईल आने लगा है तो इसमें अब हम पास्ता ऐड कर देंगे। एक बार चला देंगे और अब हम पास्ते को 7 से 8 मिनट के लिए ऐसे ही बॉईल करेंगे। 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, पास्ता भी हमारा एकदम अच्छे से बॉईल हो चुका है। आप चाहें तो एक पास्ते को इस तरीके से कट करके चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, जब हम इसे कट कर रहे हैं तो ये आसानी से कट हो रहा है। बस पास्ते को आपको इतना ही बॉईल करना है। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और ये पास्ते में जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम छान देंगे। पास्ते को हमने पोहा छाने वाली छन्नी के ऊपर छान लिया है, तो ये स्पून की हेल्प से इस तरीके से एक बार चला देंगे जिससे कि सभी पास्ता एकदम अलग अलग रहें। कढ़ाई में मैं 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 इंच मैंने अदरक को ग्रेट करके लिया है तो उसे ऐड कर देंगे। और एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, प्याज को मैंने इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करके लिया तो उसे भी डाल देंगे। एक सेकंड के लिए चला देंगे। आप इसमें जो भी सब्जियां डालें तो इस तरीके से आपको लंबे लंबे स्लाइसेस में ही कट करके डालना है सब्जियों को। प्याज अदरक को भी हमने हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें और बाकी बची हुई सब्जियां ऐड कर देंगे। एक शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं। एक गाजर को भी मैंने रफली चॉप करके लिया है। सब्जियां आप अपनी पसंद की कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, और जो ना हो उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं 2 हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। और अब सभी सब्जियों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और सब्जियों को हमें हल्का सा कुक करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। इसमें सब्जियों को आपको ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ सब्जियों को हम हल्का सा सॉफ्ट ही करेंगे। सब्जियां भी हमारी हल्की से सॉफ्ट हो चुकी हैं, बस सब्जियों को आपको इतना ही कुक करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच टोमेटो सॉस और 1 चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सेजवान सॉस। अगर आपके पास हो तो डालें, वरना सेजवान सॉस डालना टोटली ऑप्शनल है। थोड़ा सा नमक इसमें हम और ऐड कर देंगे। नमक हमने पास्ते को बॉईल करते समय भी डाला था। इसे मिक्स कर देंगे टोमेटो सॉस और सेजवान सॉस को। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब आप इस तरीके से टोमेटो सॉस और सेजवान सॉस डाल के पास्ता बनाते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता। और ये देखिए, एक एक पास्ता हमारा एकदम अलग अलग है, बिल्कुल भी एक दूसरे से ये चिपका हुआ नहीं है। अच्छे से पास्ते को मिक्स करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें मैं पास्ता मसाला ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे पास्ते के साथ में। और ये बहुत ही टेस्टी चटपटा सा पास्ता हमारा तैयार है। तो अब गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और अपने पास्ते को सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी चटपटे से बच्चे और बड़े सभी के फेवरेट पास्ता हमारा तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो एक बार आप मेरे तरीके से पास्ता बना के जरूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय एवरीवन।